हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रित शुक्ला। अभी हम बात कर लेंगे कि फ्रेश ट्रांसफ़र अच्छा है कि फ्रोजन ट्रांसफ़र अच्छा है। देखो यार दोस्तों, ये ना कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि हमको किसी केस में फ्रेश ही करना है, किसी केस में फ्रोजन ही करना है। इसका एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे कोई पेशेंट है, उसका अंडे हमने स्वयं के लिए अंडे निकालने का ऑपरेशन किया। अब अंडे निकालने का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, 10-12 दिन उसको इंजेक्शन लगते हैं। अब वो इंजेक्शन्स की वजह से ओवरी अंडाशय के अंदर जो अंडे हैं उनका साइज बड़ा होता है। तो अब लेकिन ऐसा तो है नहीं जो इंजेक्शन हम अंडे बड़ा करने के लिए लगा रहे हैं वो केवल ओवरी में जाके काम कर रहे हैं, वो तो पूरे शरीर में घूम रहे हैं। हमने ऑपरेशन किया, 12वें 13वें दिन उनके अंडे बाहर निकाल लिया। अब जो अंडे आए हैं उसको अब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी की लैब में भ्रूण में कन्वर्ट करते हैं, चाहे एक्सी करें, चाहे वे करें, कुछ भी करें, पति के शुक्राणु के साथ में। अब वो भ्रूण में 4-5 दिन में बदल जाते हैं, 5 में ब्लास्टोसिस बना, 5वें दिन बन गया। अब क्या हम उनको वापस उसी में डाल दें जिस औरत से निकाले गया थे उसकी बच्चेदारी में? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक हो जाती है क्या, क्योंकि अभी उससे 12-13 दिन इंजेक्शन लगवाए हैं, उसके बाद ऑपरेशन कराया है, उसके बाद ऑपरेशन करा के वो रिकवरी फेज में है, और लेकिन इस बीच में वाले एम्ब्रियो तैयार हुए हैं, भ्रूण तैयार हुए हैं। तो ऐसे केस में लोग अवॉइड करते हैं, क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन उसको 10-12 दिन लगे हैं उनका इफेक्ट अभी भी उसकी बॉडी में है। तो बेटर है कि जो एम्ब्रियो बने हैं उनको फ्रीज कर लो, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में उनको फ्रीज कर लो, और जब इन इंजेक्शन जो 10-12 दिन उसको इंजेक्शन लगे हैं उनका प्रभाव 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल के साथ ख़त्म हो जाए, मतलब उसको जब भी मेंस्ट्रुअल आते हैं तब उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए, तब वो जो फ्रीज किया हुआ स्ट्रॉ है उसको थॉ करो, उसके एम्ब्रियो को 2-4 घंटे कल्चर करो और फिर ट्रांसफ़र करो, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। सेल्फ एग लिया है तो उस केस में, अब दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है 35 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर या, जिसमें हम लोग डोनर एग के साथ में कर रहे हैं। अब डोनर एग के साथ से कर रहे हैं तो एग किससे ले रहे हैं, डोनर से ले रहे हैं। ट्रांसफ़र जिसमें करना है मदर में करना है, तो एग अगर डोनर से ले रहे हैं तो दवाइयाँ सारी इंजेक्शन सारे डोनर को लगे हैं, उससे मदर को तो फर्क पड़ता नहीं है। तो जो एम्ब्रियो बना है जो हमने डोनर से एग लिया है उससे मिला करके जो ब्लास्टोसिस्ट डे 5 पे बना है उसको हम फ्रेश ट्रांसफ़र कर सकते हैं मदर के अंदर, इंटेंडेड मदर के अंदर, अगर उसकी एंडोमेट्रियम वहाँ तक तैयार है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम डोनर को और मदर की साइकिल को मैच कर लेते हैं ताकि मोर और लेस मदर एज इंटेंडेड मदर की भी एंडोमेट्रियम तब तक तैयार हो जाए जब तक उनको ट्रांसफर कर, ऐसे करना फ्रेश ट्रांसफर कर दो। इन केस तुमको लगता है कि जो इंटेंडेड मदर है उसकी एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आज नहीं कल करें परसों करें, तो जो एम्ब्रियो बना उसको फ्रीज कर दो, जब उसकी एंडोमेट्रियम बेस्ट हो तब ट्रांसफर कर दो। तो ये जो फ्रेश और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर की दुविधा है वो हमारे फायदे के लिए, फायदे के लिए क्या, जब हमको लगता है एज ए IVF कंसल्टेंट यस दिस इज द बेस्ट टाइम हमारी प्रेगनेंसी आ सकती है, हमको तब ट्रांसफर करना। अगर फ्रेश में लग रहा है तो फ्रेश ट्रांसफर कर दो, मोस्टली अगर फ्रोजन में लग रहा है तो फ्रोजन ट्रांसफर कर दो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।